इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हुई कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय तटरक्षक की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। इस भर्ती के लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 28 नवंबर तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी फिल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वैसे तो आपको यहाँ पर सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग आपको वेतन दिया जाएगा। 18,000 रुपये से लेकर 25,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें वो सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी यूआर, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है 18 ईयर से लेकर 35 ईयर, और अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 35 के बीच में एज है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एज काउंट की जाएगी 30 अक्टूबर तक की जाएगी, यानी कि 30 अक्टूबर को आपके जिन्हें तो 18 से कम हो, 30 से ज़्यादा हो। और अगर जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसटी वालों को 5 की दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 की छूट भी दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। जो आपके यहाँ पर हाइट होगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट है, जो आपकी हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य है। अब देखें फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे एमटी ड्राइवर, ऑपरेटर, एमटी फायरमैन, एमटीएस यानी कि चौकीदार यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, और इंजन ड्राइवर के लिए वैकेंसी होगी, लेजर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई। टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। अगर आप इस भर्ती की निम्न जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको निम्न जानकारी प्रोवाइड की गई है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट के जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी भी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन से डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, आप उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूं कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर इसके बाद
बनाई जाएगी। इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 28 नवंबर 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। इस भर्ती के जो आवेदन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, बायोडाटा के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपको बताना कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, इसको आपको यहाँ पर सेल्फ रजिस्टर्ड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बता देना किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कैंडिडेट का नेम फिल करना है, उसके पापा का नाम यानी फादर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन में आपको अगर आप हिंदू है तो हिंदू, अगर कोई आप अदर है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसकी जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर रिलीजन, कास्ट बतानी होगी यानी कि यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैरिड स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर देना होगा, दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब भी यहाँ पर इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की फोटो कॉपी भी यहाँ पर लगाना अनिवार्य रहेगा। आपको यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को रीड करना होगा, और जो एड्रेस होगा सेंड करने के लिए उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट पर दी गई है। यहाँ पर लिखा पोस्टल एड्रेस, इस वाले एड्रेस पर उसको सेंड करना होगा। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप हिंदी, तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, आपको यहाँ पर इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वाले कॉलम में मिल जाएगी, एज लिमिट आपको यहाँ पर रहेगा, और आपको पे स्केल भी यहाँ पर जो वैकेंसी होगी उसी के नीचे आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और सभी जानकारी आपको यहाँ पर रीड करनी हो, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सभी वैकेंसी के बारे में बताया गया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी पोस्ट वाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से रीड करनी होगी, सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।